2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दर्शकों बिहार की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला। बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन के मुख्य दल आरजेडी पार्टी के बड़े चेहरे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की रैलियों में जो भीड़ जुट रही है और जिस तरीके से जनता उनकी तरफ आस लगाकर देख रही है, क्या ये जनता की भीड़ जो है वो तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट भी करेगी या फिर ये मात्र भीड़ जो है वो जुटाई जा रही दर्शकों। दो तरफा इसमें मामला है, चूंकि तेजस्वी यादव हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में और खास तौर से बिहार में विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं इसका बड़ा राजनीतिक लाभ मिले, और यही दो ऐसे राज्य जहां पर सत्ता पक्ष भी मजबूत हो सकता है और विपक्ष भी मजबूत हो सकता है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव इस समय पूरी तरीके से अपना दमखम झोंक रहे और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में जो है विपक्ष की सरकार बनवाई जा सके, लेकिन ये संभव कितना नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर के स्थिति उनके पक्ष में कितना जारी है दर्शकों, ये आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कई अहम मुद्दों को लेकर के कई तरीके के यहाँ पर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। खास तौर से आपने देखा कि जिस ढंग से एक के बाद एक मामला तय होता हुआ नजर आया और जिन जिन सीटों पर विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हैं उन सीटों पर संयुक्त रैली का भी एक बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं कि फायदा एक दूसरी पार्टी को मिल सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के खास करके तेजस्वी यादव का चेहरा काफी ज्यादा इस समय बिहार की राजनीति में पॉपुलर भी हुआ, लेकिन जनता वोट कितना देगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भीड़ हर बार के चुनाव में आपने देखी होगी, लेकिन 2019 में भी देखा था आपने और उस समय भी चुनाव में उनको कोई खासा फायदा नहीं हुआ था, और इस बार के चुनाव में आप देखिए क्या बड़ा मामला देखने को मिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, जुड़े रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।